पीठे सूर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल देखा है और उसे सब्सक्राइब किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। जो जो लोग अभी देख रहे हैं और नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे जाके बेल आइकन पर दबा देना और लाइक भी करना। तो दोस्तों, आपको पता है कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, उसमें हम स्वीट्स बनाते हैं फिर खाते हैं, और उसमें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। फिर हम पटाखे फोड़ते हैं, फिर हम घर सजाते हैं, और ये सब करने में हमको पता ही नहीं चलता कि कब टाइम गुजरा। तो आज हम दिवाली के लिए ही हम एक तीन प्रकार के छोटे छोटे आकाश दिए बनाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे बनाना है। तो हमको लगेगा कलर्ड पेपर, मैंने पैकिंग पेपर लिया है, तो आप कौन सा भी कलर पेपर यूज कर सकते हैं और ओरिगैमी भी यूज कर सकते हैं। फिर हमको लगेगा ग्लू, स्ट्रिंग, कैची, एक बड़ा बॉक्स और ये थिक पेपर, पेपर कप और ये गोल्डन कलर का पेपर लगेगा आपको। आपके पास नहीं होगा तो कौन सा भी चमकी वाला भी चलेगा, और गोल्डन कलर से आप पेंट भी कर सकते हैं कौन से पेपर पे। तो चलो हम बनाते हैं हमारा पहला आकाश दिया। तो सबसे पहले हमको इस पैकिंग पेपर को 16x16 सेंटीमीटर के दो पीसेस, दो स्क्वायर कट कर देने हैं, तो अभी मैं वो कर दूंगा। तो दोस्तों, मेरी इस पर तो अभी 1x1 सेंटीमीटर के स्क्वायर है, तो आपके इस पर नहीं होंगे तो आपको मेजर करके कट काटना होगा। ये होगा 16, तो अभी मैं इसे काटूंगा सही। तो अभी मेरे दो स्क्वायर पेपर तैयार है, अभी हम इसका स्टार बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले हम इस पेपर को हाफ में फोल्ड कर देंगे, और फिर ये जब हाफ में फोल्ड हो गया तो इसे ऐसे कर देंगे, दोनों साइड से नहीं, ऐसे एक ही साइड से, फिर ये दूसरे साइड से, इधर से नहीं करना है। तो इस साइड से जब आपने कर दिया ये, तो ये वाला लेना है, और आपको एक ही मिनट। तो अभी ये वाला जो कॉर्नर है वो हमको इस सेंटर में लगाना है, तो ये इससे इधर लग गया, अरे इसको नीटली फोल्ड कर दो। ये देख देख कर रहा हूँ अभी। ओके, तो ये सेंटर में आ गया है, यस। तो ये सेंटर में आ, अभी हमको ये वाला कॉर्नर इधर ऐसे लगा देना है, ऐसे ऐसे कर देना है, एक आइसक्रीम का कोन जैसा होता है वैसा कर देना है इधर। तो अभी इधर से ये वाला पेपर ऐसा फिर से एक आइसक्रीम की कोन जैसा ही फोल्ड करते, तो आपको ऐसा हार्ट वाला तो नहीं पर हार्ट जैसा ही शेप दिखेगा। तो अभी ये हो गया, तो अभी ये ऐसे फोल्ड कर देना और इसको से फ्लिप कर देना। तो अभी हमको इधर से ऐसा टेढ़ा कट कर देना, तो ये जो कॉर्नर है इधर का, तो उसके उसके ही कॉर्नर, उस कॉर्नर से हमको ऐसा टेढ़ा कट कर देना है। सो ऐसा, ये देखो ऐसा, ज्यादा भी टेढ़ा नहीं पर थोड़ा लेवल तक, छोटी लेवल तक कर देना है। तो ये देखो कट हो गया है, तो अभी ये मेरा हो गया है, तो मैं अभी खोलूंगा नहीं, मेरा दूसरा पेपर भी मैं वैसे ही कर दूंगा और इस साइज का देख के ही मैं कट कर दूंगा, तो वैसा मैं करूंगा।
देखो हमारा स्टार हो गया। तो अभी देखो, तो अभी हम ये स्टार पोस्ट भी ओपन करेंगे। ये देखो कितना कर्व आया है। तो ये देखो हमने ये स्टार कर दिया। तो अभी मेरा पेपर बहुत थिन है, तो उसके लिए ये बहुत ऐसे लूज है ना, तो मैंने ये थिक वाला पेपर लिया है। और अगर आपके आपके पास थिक वाला ही पेपर है ये सा, तो आप ये थिक वाला पेपर मत लगाइए इधर। तो अभी मैं इस पेपर ग्लू लगा के इसे इसे इधर चिपका के इधर इधर इसको काट के फिर मैं ये स्टार तैयार करूँ। तो अभी हमको ये ऐसे 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 ये ऐसे और इसे फोल्ड कर देना है, फिर हमको ये ऐसे फोल्ड। और जब ये हो जाएगा ऐसे, तो आप इसे ऐसे और आपका स्टार ये ऐसे दिखेगा। और आपको सिर्फ ये अंदर डालना होगा, ये जो जो मिडल वाली है वो। तो ये देखो दोस्तों, हमारा स्टार शेप तैयार है। तो अब हम हमारी कैंची लेंगे और इधर एक मार्क कर देंगे, और फिर जब हम कट करेंगे तो उसका वो जो मार्क है उतना ही कट होना चाहिए। तो अभी ये कट हो गए हैं, मैंने इधर कट कर दिया है। अभी हम इसको उल्टा करेंगे और फिर ये सब फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो अभी ये देखो मेरे दोनों स्टार्स तैयार हो गए हैं। अभी हम ये दोनों लेके इधर चिपका देंगे ऐसे। अभी मेरा आकाश दिया तैयार है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये मतलब ये अब सीलिंग पे बहुत अच्छा दिखेगा ना, तो उसके ही जैसे मैंने और तीन बनाए, दो बनाए हैं ये देखो। तो ये बड़ा, ये छोटा और ये और छोटा। तो अभी हम हमारी स्ट्रिंग लेके और इसको हम फर्स्ट कट करेंगे। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने दो स्ट्रिंग ली है और अभी मैंने गांट भी लगाई है। तो आपको दोनों साइड से गांट लगानी है। तो अभी देखो ये मैंने कैसे किया, ऐसे करके फिर फुस हो गई गांट। तो अभी ऐसे करके हम इसे रब करके ये इधर आ गया। और हम इसे ऐसे, ये देखो ये एक गांठ हो गई। तो फिर एक बार ऐसे ही करेंगे हम, तो वो जरा फिक्स रह जाएगी। हाँ इस बार तो फुस नहीं हुई। तो अभी दोनों स्ट्रिंग पर ऐसे करो। तो अभी इसको फेविकॉल लगा के अंदर डाल देंगे हम, फिर इसे मैं अंदर डालूंगा। और फिर आप क्या कर कीजिए, तो जब ये अंदर डल गया तो इधर से भी सेलो टिप लगा देना, मतलब कि वो जरा फिक्स रह जाएगा और स्टार भी हमारा फिक्स रहेगा। तो आपको करना है तो, और ना ये देखो कैसे लटक रहा है, बहुत मजबूत भी है। तो अभी ऐसे ही हम इसे भी लगाएंगे। तो अभी देखो दोस्तों ये कितना सुंदर लग रहा है, मेरा ट्रिपल आकाश दिया। तो अभी हम हमारा दूसरा वाला आकाश दिया बनाते हैं। तो अभी हम हमारा बॉटल कैप लेंगे और इधर सर्कल, एक सर्कल बना देंगे। फिर हम ये सर्कल्स लेके इधर चिपका देंगे। तो अभी मेरा मेरे सभी सर्कल्स तैयार है। अभी मैं ये मेरा पेपर कप लूंगा, फर्स्ट मैं इधर ग्लू लगा के फिर ये सर्कल्स ऐसे लगा दूंगा सब साइड से। फिर वैसे ही वैसे लेयर करके मैं इधर तक आऊंगा। तो मैं ऐसा करूंगा अभी। तो अभी मेरा सेकेंड वाला आकाश दिया बहुत सुंदर लग रहा है ना दोस्तों। तो अभी मैं मेरी स्ट्रिंग लूंगा
और इसे स्लोली इधर डालूंगा और फिर ये जो स्ट्रिंग है हमको ऐसे इधर लगा देनी है। तो दोस्तों ये देखो हमारा दूसरा वाला आकाश दिया भी कितना सुंदर लग रहा है। और अभी मैं इसे ऊपर लगाऊंगा सीलिंग पर जब दिवाली होगी। तो अभी हम हमारे तीसरे वाले थर्ड एंड लास्ट वाले आकाश दिए पे बढ़ते हैं। अभी मैं इसका एक रेक्टेंगल पीस काट लूंगा। तो अभी मेरा ये रेक्टेंगल शेप हो गया है, तो अभी हमको इसका स्क्वायर शेप बनाना है। तो अभी ये वाला जो है थर्ड लूंगा, तो ये हो गया है। तो अभी ये मैं फोल्ड जरा प्रेस कर देता हूँ और अभी मैं इसे निकालूंगा, ये वाला फोल्ड लूंगा और ये एक तरह से नीटली लगा दूंगा। फिर इसका फोल्ड जब हो गया तो अभी और एक फोल्ड करके वो उस फोल्ड के इधर जाना चाहिए। तो अभी मुझे ये वाला फोल्ड ये फोल्ड के इधर लाना है। तो ये इससे होगा ये वाले फोल्ड पे आ गया। तो अभी ये देखो हो गया है ये। और अभी हम हमारा रैपिंग पेपर लेंगे। अभी मैं यहाँ से इतना स्ट्रिप कट करने वाला हूँ इसके हिसाब से ही। तो अभी ये मैंने दोनों भी कर दिए हैं, दो स्ट्रिप कट कर दिए हैं। तो मैं इसे ऐसे बैकवर्ड्स फोल्ड कर दूंगा। तो अभी जब ये हो गया तो हमारी कैंची लेके कट कर दूंगा। अभी ये कट करके मेरा हो गया है। अभी हमारा वो रेक्टेंगल वाला बॉक्स ले लो। और अभी तो बॉक्स फुल नहीं है, हुआ नहीं है, तो इसे ऐसे 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 ग्लू लगा दो इसके, फिर इधर ऐसे इसे लगा दो। तो अभी हम हमारी स्ट्रिप लेंगे। तो अभी मैं इधर ये चिपका दू। तो ये देखो अभी ये हो गया। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो है वो ऐसे ये ऐसे करके इधर ग्लू लगा के हमको सब साइड से ऐसे फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा का स्ट्रिप लगानी हो गई है। तो अभी मैं दूसरी स्ट्रिप लूंगा और ऐसा ही करूंगा। तो अभी ये देखो मेरा ये आकाश दिया हो गया है। तो ये थोड़ा ट्रिकी है, तो आप आपके बड़ों के सहायता से ये थोड़ा थोड़ा वो भी मदद करेंगे और आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये देखो मेरा ये वाला आकाश कंदील भी तैयार है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मेरे सब आकाश दिए बन गए हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे तो सभी पसंद आया, पर सबके पहले मुझे तो ये पसंद आया है, ये बहुत अच्छा है, ये तो सीलिंग पे भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी तो मैं रीच कर नहीं सकता उधर। तो आप अभी सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिए और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, ये बाय कर रहा हूँ।